हेलो ऑडियंसेस, फाइनली सम गुड न्यूज फॉर यू। कोविड-19 केसेस जो कि पिछले कुछ महीनों से दिन में 1 लाख के आसपास दिख रहे थे, वो पिछले कुछ दिनों से 40,000 से 45,000 के आसपास है और भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा कोविड रिकवरी रेट है। लेकिन जहां इंडिया में केसेस कम हो रहे हैं, वहां US और यूरोपियन कंट्रीज में केसेस बढ़ रहे हैं। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जहां पे कोविड केसेस हर दिन बढ़ रहे हैं, इसका रीजन सिर्फ एक है, विंटर इज कमिंग। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स रिवील्स दैट SARS-CoV-2 फेवर्स कोल्ड ड्राई कंडीशन, पर्टिकुलरली आउट ऑफ डायरेक्ट सनलाइट। सूरज के किरणों में मौजूद अल्ट्रावायलेट रे कोविड वायरस को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। टेम्परेचर अगर 40 डिग्री के आसपास हो तो कोविड-19 वायरस डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। According to one study, the COVID-19 cases would dip in summer and peak in winter. सर्दी में कोरोना वायरस फैलने के चांसेस और बढ़ेंगे, पर आप अपनी पर्सनल बिहेवियर बदलकर इसको कम कर सकते हैं। Number 1, droplet transmission. Experts कहते हैं जब आप sneeze करते हो तब droplets surface में settle हो जाते हैं। Summer में ये droplets बहुत जल्दी evaporate हो जाते हैं, पर सर्दी में evaporate होने में बहुत ज्यादा time लगता है। इसकी वजह से कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन की चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 2, पुअर वेंटिलेशन। सर्दी के टाइम पे रात में ज्यादातर हम दरवाजा खिड़कियां बंद करके रखते हैं। ये पुअर वेंटिलेशन वायरस ट्रांसमिशन को और बढ़ा देता है। फिर इसको रोकने के लिए आपको रात में खिड़की खोलने की जरूरत नहीं है। बस आपको जब ज्यादा ठंड हो तब बंद जगह पर फैमिली गैदरिंग्स, पार्टीज, पूजा अवॉइड करनी है। नंबर 3, एक्सपोजर टू डायरेक्ट सनलाइट। सनलाइट जो कि एक खुद ही नेचुरल प्रिवेंटिव मेजर है, सनलाइट इम्यूनिटी बढ़ाता है, सनलाइट विटामिन डी देती है और सनलाइट वायरस को डिस्ट्रॉय भी करता है। आप अपने बिजी शेड्यूल में 10 से 15 मिनट निकालकर बाहर सनलाइट का मजा लीजिए और आपके डेली के पहनने का कपड़ा, यूज करने का सामान जैसे कि ब्लैंकेट्स, बेडशीट्स, पिलोज को कम से कम हफ्ते में एक दिन धूप में सुखाइए। नंबर 4, एयर पोल्यूशन। इंडिया में जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेंगे, ट्रेन चलना शुरू होंगे, वैसे वैसे ही एयर पोल्यूशन भी बढ़ेगा। कोविड में सबसे ज्यादा डैमेज होता है आपके लंग्स में। अकॉर्डिंग टू वन रिसर्च, एवरी 1 out of 3 कोविड पेशेंट कैन हैव सीवियर लंग डैमेज और एयर पोल्यूशन इसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कोविड में ऐसे भी केसेस है जो सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से क्रिटिकल कंडीशन में जा चुके हैं। इनकी डेथ कोविड में काउंट नहीं होगा, पर मौत तो मौत ही है ना। इसीलिए आपके एरिया में जितने भी कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स हैं, उनकी सेफ्टी के लिए इस दिवाली में पटाखे ना जलाएं। इस दिवाली हो बिना पटाखे वाली। से नो टू क्रैकर्स एंड यस टू लाइफ। भारत में कोविड का सेकेंड वेव आएगा कि नहीं आपके हाथ में नहीं है, पर आपके फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स की सुरक्षा जरूर आपके हाथ में है। और अगर हम ओवर कॉन्फिडेंट होके प्रिकॉशंस लेना बंद कर देते हैं तो फिर सेकेंड वेव आएगा ही, जो कि फर्स्ट वेव से काफी ज्यादा फेटल हो सकता है। कोविड से लड़ने के लिए मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत तो है ही, साथ साथ में इन नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। कोविड से इंडिया की लड़ाई तब खत्म होगी जब विंटर के बाद भी आपके आस पड़ोस में केसेस बढ़ना बंद हो जाएंगे और इस मुकाम तक पहुंचना बस आपके हाथों में है।